जो मांग माननी थी दाग होने के बाद अपनी मांगों से मुकर गए। तो मैं बताना चाहता हूं, यहां पेट्रोल पंप पर भवानी सिंह जी की हत्या हुई या आत्महत्या थी वो अभी चल रही है जांच पर। जो सरकार ने मुआवजे की ओर की मांग की थी उससे सरकार पलटी है। तो मैं आईबी और सीबीसीआईडी के भाई उनसे कहना चाहता हूं कि या तो आपके अधिकारी जाकर के वहां घोषणा क्यों करते हैं, और घोषणा करते हैं तो सरकार को बोलो पूरी करे, पूरी करे। भवानी सिंह पेट्रोल पंप करदनी, घोषणाएं पूरी नहीं हुई अब तक। कान खोल करके सुन ले प्रशासन, फिर रोड जाम होगा, वहीं बैठेंगे, फिर मुकदमे होंगे, फिर वापस लेते फिरोगे। अंदर करने की तो तुम्हारी औकात नहीं, हिम्मत नहीं है किसी की। अगर अंदर करने की और मुझे जिंदा रखने की हिम्मत होती तो जब आप लोगों के पास इनपुट है, आईबी के पास है, सीबीसीआईडी के पास है, पुलिस के पास है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारने के लिए दुश्मनों ने AK-47 से खरीदी है, तो फिर आप क्यों सुरक्षा नहीं दे रहे? राजस्थान में मैं आईटीआई लगा रहा हूं, कितने लोगों को सुरक्षा दे रखी आपने जिनको जरूरत ही नहीं है? हमारे भाई जो उदयपुर के अंदर गला रेत करके जिसको हलाल कर दिया गया था, मार दिया गया था, उसको पकड़वाने वाले चुंडावत बंधुओं के लिए आपने कहा नौकरी देंगे, क्या हुआ आपका? मावंड के अंदर शिवाना में मां बेटा की हत्या हो गई, विधानसभा में क्यों सर उठवा दिया गया? हमारे वहां की जिला टीम दो बार प्रदर्शन कर दिया, अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। क्या सुखदेव सिंह की मांग कर रहे गए वहां एसपी साहब और कलेक्टर साहब कि सुखदेव सिंह या लाखों लोगों के लेकर के आए और फिर उन मुलजिमों को गिरफ्तार करें? कोई छोटी मोटी बात मुंह से निकल जाती है, एक मिनट में मुकदमा हो जाता है। आज पूरा साधु संतों का यहां समागम है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने प्रवचन करते हुए कोई बात बोल दी, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, किसी में हिम्मत गिरफ्तार करे, करके दिखा दो। उससे पहले जो भारत के अंदर जिनके ऊपर 44 FIR पेंडिंग पड़ी है उनकी कोई बात नहीं करता। मैं खुद जाकर के आया हूं और मैंने आईबी वालों को भी कहा है कि प्रतापगढ़, डूंगरगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा नक्सलाइट एरिया से टर्निंग ले लेकर के वहां युवा आ गए, और पुलिस के पास हथियार नहीं है ना, उससे ज्यादा हथियार उनके पास हो गए। क्या कर रही है सरकार हाथ-पांव करके? इसलिए कहना चाहता हूं ऐसे मामलों में सरकार को ध्यान देना चाहिए।